हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू वीडियो अबाउट, जो आपको पता चल गया है कि ये वीडियो किस बारे में है, थंबनेल आपने देख लिया है। और हाँ, इस वीडियो में कोई भी भाई क्लिक बेट होगा नहीं, जैसे मेरी रियल वीडियोज़ होती हैं एक्चुअली, जो बिल्कुल सच वाली वही वाली वीडियो ये होने वाली है। देखो यार, जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इवन पायलट बनो, तो आपको पहले पता करना होता है कि आपको वहाँ पे जाके सैलरी कितनी मिलेगी। या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फिर भी पता लगाना पड़ता है कि आपको आगे जाके कितना पैसा इसमें मिलेगा। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक पायलट की सैलरी के बारे में। और जो मैंने थंबनेल पे लिखा है नो क्लिक बेट, एक्चुअल सच में एक्चुअली होने वाला है, आपको मैं अपनी एक्चुअल सैलरी बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने वीडियो पहले भी बनाई है कि पायलट की सैलरी कितनी होती है विद पोस्ट वाइज, कि अगर एक JFO है तो उसकी कितनी होगी, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की कितनी होगी, फिर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की कितनी होगी, कैप्टन की कितनी होगी, ये सब मैंने बनाया हुआ है। और यूट्यूब चैनल्स पे ना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएंगी इस बारे में। लेकिन एक्चुअल किसी ने अपनी सैलरी स्लिप नहीं दिखाई होगी, अगर दिखाई होगी भी तो वो काफ़ी पुरानी वीडियो होगी अब के टाइम में, मतलब 2024 और 23 में किसी ने नहीं किया है ऐसा। और मैं भी इसलिए दिखा पा रहा हूँ आपको ये वाली मतलब अपनी सैलरी स्लिप, क्योंकि वो एयरलाइन बंद हो चुकी है। अभी मैं करंट एयरलाइन की भी नहीं दिखा सकता, हाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एयरलाइन की सैलरी उतनी ही है जितनी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी जो मैंने अरेंज की है, अरेंज नहीं, वो खुद की मेरी ही है, वो फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं अरेंज कर रहा हूँ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन। तो इन चारों पोस्ट के ऊपर ना अलग अलग मैं अलग अलग एक्चुअल सैलरी स्लिप दिखा के वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। फिलहाल तो ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ जो फर्स्ट ऑफिसर की है। तो चलो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, देखो मेरे यूट्यूब चैनल इस वाले पायलट ऑन बोर्ड पे लगभग 8600 के आसपास, 8500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और ये चैनल मैंने फुली डेडिकेटेड किया है पायलट्स के लिए। इस पे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, इससे मेरे को पैसे मिले ना मिले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बस वीडियो डालते रहना है जब भी मेरे को टाइम मिलेगा और जिससे आपकी हेल्प हो पाए। तो अभी मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो सैलरी स्लिप वाली है एक्चुअली, इसमें मुझे पता है कि अच्छे खासे व्यू आ जाएंगे, और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है, जो मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, वो तो इसको देखेंगे ही और देख भी रहे होंगे। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे एक नया चैनल है द मीट्यूबर, ये मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है द मीट्यूबर। तो यार ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, और इस पे भी ना मैं अभी इस वाले चैनल पे पहले अपनी व्लॉगिंग करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ। उस वाले चैनल पे मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और उसका कॉन्सेप्ट मैं वहीं पे बताऊंगा, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ एट लीस्ट अगले 2-3 दिन में इस पे 4-5 हज़ार व्यू आ जाएंगे इस वीडियो पे। और मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम 1000 से 1500 सब्सक्राइबर उस पे हो जाए, वो भी मोनेटाइज हो जाए। तो देखते हैं कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, मैं तो करता हूँ, वो तो तुम्हें पता है कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो आपके प्यार का तो भाई तभी पता चलेगा, तो उसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, एंड एडवांस में मैं थैंक्स कर रहा हूँ। चलो ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्क्रीन मिरर कर रहा हूँ इस वाले आईपैड में, और ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो भाई देख लेना कि कितनी सैलरी है, और मैं फाइनेंशियली एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जो भी टैक्स डिडक्शन होंगे वो आप खुद देख लेना कि कैसे हो रहे हैं, मैं आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ कि है क्या। सो दोस्तों, मैंने इस वाले आईपैड की ना स्क्रीन मिरर और ऑन कर दी है, तो ये है मेरी एक्चुअल सैलरी स्लिप। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये मेरी एक्चुअल सैलरी स्लिप है, आप सबसे ऊपर देखोगे ये गो फर्स्ट एयरलाइन, ठीक है, ये मेरी प्रीवियस एयरलाइन की सैलरी स्लिप है, और जो कि अभी के टाइम से बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल की सैलरी स्लिप है, मार्च महीने की। तो ये मेरी गो एयर की सैलरी स्लिप है, ऊपर लिखा भी गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड ऊपर वाला ये। अगेन मैंने ये छुपा दिया अपना एम्प्लॉय आईडी, अपना पैन नंबर, क्योंकि यार ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा है, तो ये मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। पर हाँ, आपके लिए जो ज़रूरी है, जो आपको जानना है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा नाम है वरुण रावत, और डेजिग्नेशन मेरी लिखी है फर्स्ट ऑफिसर। मैं JFO की, कैप्टन की और SFO की तीनों की ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने का, कोई दे दे तो वो भी दिखा दूंगा आपको। और भाई यहाँ पे ना देखो डिटेल्स, ये मार्च 2023 की है, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल नई, और आपको बहुत क्लियर भी दिख रहा होगा। और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो फ्लाइट ऑप्स है, फ्लाइट ऑपरेशन फ्लाइंग है। और ये PF वगैरह सब मैंने अपना छुपा दिया। लोकेशन मेरी दिल्ली है, क्योंकि मेरा लास्ट में बेस चेंज हो गया था कोचीन से, तो लास्ट में मेरा बेस था। ये मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस वाली एयरलाइन की, 2018-22 अक्टूबर, इस डेट को मैंने ज्वाइन किया था। DOB भी मैंने अपनी छुपा दी है, वैसे मैं 30 साल का हो गया हूँ आपको बता दूँ। ओके, तो ऊपर इतना कुछ है नहीं। अब अटेंडेंस, ये वाला जो देख रहे हो ना कॉलम, ये वाला अटेंडेंस एंड लीव,
तो इसमें देखो यार, मैंने कोई भी सीएल पीएल या सिक लीव कुछ नहीं लिया है, और कोई भी लीव एनकैश नहीं कराई है पुराने महीने की। तो जो ये सैलरी है ना पूरी 31 दिन की है, टोटल डेज इन मंथ 31 और डेज पेड 31, पूरे दिन की मेरे को सैलरी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि एक महीने की सैलरी होती कितनी, कोई छुट्टियाँ वगैरह कुछ है नहीं, ना कोई मेरा पैसा कटा है इसमें। तो अभी स्टार्ट करते हैं चलो पूरा सैलरी से। तो सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, तो इसमें बेसिक मेरी सैलरी थी 30,000, वहाँ पे 30,000। फिर मेरा हाउस रेंट अलाउंस मिलता था, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ फिर छोटा कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो इसको बाद में। तो हाउस रेंट अलाउंस मेरे को 15,000 मिलता था, फिर यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000, एंड देन स्पेशल अलाउंस 1,86,500, बेसिकली ये फ्लाइंग अलाउंस है। तो 1,86,500 ये मिलता था जो सबसे ज़्यादा है, असली जो सैलरी पायलट की बनती है वो इसी से बनती है, स्पेशल अलाउंस। तो बहुत सारी एयरलाइन है इसको स्पेशल अलाउंस बोलती हैं, बहुत सारी बोलती हैं फ्लाइंग अलाउंस और कुछ भी नाम दे देती हैं। तो टेलीफोन अलाउंस मेरे को मिलता है 1,500 रुपये, और फिक्स्ड फ्लाइंग अलाउंस है ये 10,000 है। तो इन और लेओवर का मैंने कुछ किया नहीं है, तो लेओवर और आपका ओवरटाइम अलग से इस सैलरी में जुड़ जाता है। तो ये विदाउट लेओवर विदाउट ओवरटाइम, तो एग्जैक्ट सैलरी है ये। तो नीचे देखोगे आप टोटल अर्निंग 253, 2,53,000 रुपये मेरी सैलरी थी भाई, एग्जैक्ट आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी अभी बोलेगा नहीं क्लिक बेट किया भैया ने। तो ये देखो 2,53,000, ठीक है, और मेरे को उसी हिसाब से रेट पर मंथ और करंट मंथ, तो दोनों कॉलम सेम है क्योंकि। तो आगे देख लो भाई, मेरे को मिली थी यहाँ पे ना आप लेओवर अलाउंस मेरे को 1,000 रुपये ये वाला, तो मेरा टोटल मिला के होगा 2,54,000, 1,000 रुपये लेओवर को मिला के। और भाई मेरा प्रोविडेंट फंड में यहाँ पे 1,800 रुपये कटता था। इनकम टैक्स देखोगे आप, इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हालांकि ये लास्ट का महीना था और मैंने पुराना वाला नया वाला रेज्यूमे सिलेक्ट कर रखा था टैक्स का, तो मेरा बहुत टैक्स कटा है। कितना कटा है देख लो आप, 1,08,695 रुपये, 2,53,000 रुपये में से ये कटा है। बहुत टैक्स कटता है। और देखो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ मिलता भी नहीं है, एटलीस्ट यार हम 1,00,000 रुपये हर महीने का टैक्स उस टाइम पे दे रहे थे, अभी तो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। तो अगर इतना मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ तो सुविधा होनी चाहिए, कल को मेरे बच्चे बीमार हो या मैं बीमार हो तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री इलाज तो करा लूँ, या मेरे को कम से कम टोल टैक्स ना देना पड़े, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती यार, क्योंकि बहुत सैड है। तो चलो कोई नहीं, तो ये वाला पूरा कॉलम है ना ये देख लो आप, तो मेरे को एग्जैक्टली हम नीचे आओगे ना तो ये वाला है नेट पेबल रुपीस, तो मेरे को मिला था 1,45,305 रुपये, क्योंकि 1,00,000 रुपये मेरा टैक्स कट गया था, हालांकि इतना कटता नहीं है, वो साल के एंड में था तो इसलिए कट गया था। तो भाई ये है एक्चुअल सैलरी। अब नीचे टैक्स इनकम टैक्स डिटेल्स इन्होंने दे रखी हैं, इसका मेरे को ज़्यादा बिल्कुल आइडिया है नहीं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको पता है कि कैसे ये कैलकुलेशन होती है तो देख लेना, अदरवाइज ये मेरी पूरी सैलरी। अभी मैं इसको छोटा करके और दिखा देता हूँ, ये देखो ओके, ये नीचे कुछ है नहीं, ये पूरी सैलरी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना रखना कभी तक भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे टैक्स डिडक्शन होता है, क्या सैलरी होती है। अभी मैंने आपको एग्जैक्ट अपनी प्रॉपर सैलरी जो मेरी थी वो मैंने दिखा दिया, होपफुली ऐसा किसी ने किया नहीं होगा यूट्यूब पे, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना या कुछ भी, बस आप लोगों की हेल्प हो जाए इसलिए मैंने ये किया है कि आप डिसीजन लो कि मेरे को करना है नहीं करना है सैलरी के हिसाब से, ठीक है। तो यार ये थी सैलरी की बात, एक रिक्वेस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले करी थी, मतलब कि इस टॉपिक से पहले करी थी कि द मी ट्यूबर मेरा नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, लास्ट में भी कर रहा हूँ तो प्लीज़ कर लेना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, अगर हुई है तो एक कमेंट में ना थैंक यू लिख देना छोटा सा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को छोड़ना मत, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी, हो सकता है कि डिले चलता रहे, कभी वीडियो अपलोड हो रही है कभी नहीं हो रही, लेकिन हाँ 100% होती रहेंगी और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल से। तो इसको एक बस साइड में करके पड़े रहने देना, आपकी हेल्प होती रहेगी, पर द मी ट्यूबर को सब्सक्राइब कर लेना यार, थैंक यू, और उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।